नमस्ते बच्चों, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, 10 क्वेश्चंस, 10 जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन, एक एक जर्नल एंट्री को हम डिस्कस करेंगे। मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, मैच कीजिएगा। आपने भी ऐसा किया है कि नहीं किया है। फर्स्ट है, ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मलिक ट्रेडर्स, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, देन डेट में 5 जून कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखना मैं भूल गई थी इसलिए यहाँ पर लिखा है, पर लिखना बहुत ज़रूरी है। द अमाउंट 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। नरेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देन 8 जून को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000, 80,000। नरेशन, ओपन द बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 12 जून को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुलमोहर अकाउंट 30,000, 30,000। नरेशन, गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, 20,000। अगर आपने ऑफिस मशीन लिखा है तो और ज़्यादा सही है, यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने मशीन अकाउंट लिखा है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर 18 जून को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, 5,000। एंड नरेशन, रेंट पे। नरेशन जितनी शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना अच्छा है। और 20 जून को मेसर्स मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000। एक बार दोबारा से इन एंट्रीज पर नज़र डाल लीजिए, अगर कोई आपकी एंट्री गलत है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। 22 जून को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000, 15,000। 25 जून को मेसर्स गुलमोहर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, 30,000। नरेशन, कैश पेड। नरेशन जितनी ब्रीफ से ब्रीफ हो, छोटी से छोटी हो उतनी अच्छी है। 28 जून को बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स मोहित अकाउंट 10,000, 10,000। और लास्ट है हमारा 30 जून को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000, 6,000। ये अगर आपकी सारी एंट्रीज ठीक है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है ठीक तो वीडियो को पॉज करके इन एंट्रीज को मैच कर सकते हैं, जो गलतियां हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, ताकि फिर हम इसकी मदद से लेजर पोस्टिंग कर सकें। ओके, चेक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सारे एक साथ रख दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब आती है लेजर पोस्टिंग की बारी। हम क्या करेंगे इसके लिए, हर अकाउंट, हर जर्नल एंट्री में चेक करेंगे कौन कौन से अलग अलग नाम आ रहे हैं। यहाँ से देखना शुरू कीजिए, 5 जून से कैश अकाउंट एक नाम आया है। जो जो नाम आते जा रहे हैं, नया नया नाम आता जा रहा है, उसे लिखते जाइए। नंबर 1 कैश अकाउंट दिख रहा है, नंबर 2 मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नंबर 3 बैंक अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नंबर 4 कैश अकाउंट पहले लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, एक अकाउंट का नाम एक बार लिखेंगे, नंबर 6 परचेजेस अकाउंट हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नंबर 7 मेसर्स गुलमोहर अकाउंट हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों जितने भी अकाउंट के नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हम वो सारे अकाउंट्स बनाएंगे, वो सारे अकाउंट में सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कितने नाम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में फिर मेसर्स गुलमोहर अकाउंट हमारा नाम आ गया, फिर मशीन अकाउंट, नेक्स्ट उसके बाद में रेंट अकाउंट हमारा आया है, फिर 8वां नाम आया है हमारा मेसर्स मोहित अकाउंट। ये 8 नाम अभी तक आ चुके हैं, अपनी जर्नल एंट्री में चेक करते रहिए। 9वां नाम फिर कैश आया है, कैश एक बार हो चुका तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर सेल्स आया है, 9th हमारा सेल्स है, सेल्स इससे पहले नहीं आया ना, और 10th है हमारा मेसर्स गुलमोहर, हमारा पहले आ चुका है, कैश हमारा पहले आ चुका है, बैंक पहले आ चुका है, मेसर्स मोहित अभी 8वां ही नंबर था, और सैलरी अकाउंट हमारा अभी तक नहीं आया था, तो 10th है, 10वां नाम है हमारा सैलरी अकाउंट। फिर कैश अकाउंट आ गया तो कैश को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कितने नए नाम हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर, टोटल मिले हैं 10। देखते हैं कौन कौन से, कैश अकाउंट, मेसर्स मलिक ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, मेसर्स गुलमोहर अकाउंट, मशीन अकाउंट, रेंट अकाउंट, मेसर्स मोहित अकाउंट,
सेल्स अकाउंट और दसवा है हमारा सैलरी अकाउंट। तो टोटल ये 10 नाम हो गए। इन 10 नामों को ऐसे वीडियो को पॉज करके 1 to 10 लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में आप 10 लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, 10 लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, कैश अकाउंट, इन सबको अलग अलग से बनाया जाएगा। एक तरीके से ये सोचिए कि बैंक में ये 10 लोग हैं जो पैसा जमा कराने गए, तो बैंक के पास में इन 10 लोगों के खाते खुले हुए हैं। अब वो लेजर अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, अपना जर्नल दोबारा से एक बार फिर से नज़र डालिए। सबसे पहला हम देखते हैं कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट को देखो, ज़रा देखो आपकी जर्नल में, जर्नल बुक में, जर्नल एंट्रीज में कैश अकाउंट वर्ड कितनी एंट्रीज में आया है। 1, 2, यहां पर तो 2 ही है, आगे देखते हैं 3, 4 और 5। तो कैश अकाउंट कितनी बार आया है, 5 बार। तो कैश के आगे लिख लीजिए 5 बार। हमने अभी कैश के आगे लिख रहा कि 5 एंट्रीज में नाम आया है। ये हमें हर बार नहीं लिखना होता, ना ये लिखना होगा ना ये लिखना होगा। अभी केवल सिर्फ हम पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो समझने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड नाम क्या लिखा हुआ है आपने, मेसर्स मलिक ट्रेडर्स। जरा देखो मेसर्स मलिक ट्रेडर्स कितनी एंट्रीज में है, केवल 1 एंट्री में। तो 1 लिख दो उसके आगे, ये हमने इसके आगे 1 लिख दिया। नेक्स्ट देखो बैंक कितने इंच में है हमारा, 1, 2, 3, 4। कितनी जगह है बैंक हमारा, 4 एंट्रीज में। तो 4 लिख दो यहाँ पर। फिर परचेजेस देखो, परचेजेस का नाम आपको कितनी जगह दिखाई दे रहा है, मुझे तो परचेजेस का नाम केवल केवल और केवल 1 जगह दिखाई दे रहा है, 12 जून को। नेक्स्ट मेसर्स गुलमोहर अकाउंट का नाम कितनी जगह दिखाई दे रहा है हमें, 2 जगह, ढूंढ लो आपको दिखाई दे जाएगा। फिर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट कितनी जगह दिखाई दे रहा है, केवल और केवल 1 जगह, 12 जून को। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट कितनी जगह दिखाई दे रहा है हमें, केवल 1 जगह, 18 जून को। फिर मेसर्स मोहित अकाउंट, मेसर्स मोहित का नाम हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है, 20 जून को और 28 जून को। तो 20 जून और 28 जून को 2 जगह दिखाई दे रहा है, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का नाम हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक तो 20 जून को नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, और दूसरा हमें 22 जून को दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। लास्ट है हमारा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है 1 जगह। अब ये जो हमने गिनती लिखी है, इस गिनती से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा लेजर अकाउंट कौन सा कितना बड़ा होगा। जिसमें जितनी ज़्यादा एंट्रीज हैं वो लेजर अकाउंट उतना ही बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा एंट्रीज इसमें कौन से में है, सबसे ज़्यादा बार नाम किसका आ रहा है, कैश अकाउंट का। इसका मतलब हमारा कैश अकाउंट जो है वो सबसे बड़ा अकाउंट बनेगा, सबसे बड़ा अकाउंट होगा हमारा कैश अकाउंट। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 1 हम बनाएंगे सबसे बड़ा वाला अकाउंट, और सबसे छोटे अकाउंट कौन कौन से हैं जिनमें केवल 1, 1, 1, 1 एंट्रीज हैं, वो हमारे बहुत ही छोटे अकाउंट्स बनेंगे। तो एक एक अकाउंट को देखते जाते हैं कैसे बनेगा। फॉर्मेट हमने पहले ही डिस्कस किया था, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए बच्चों। हमने ये फॉर्मेट डिस्कस किया था, सेंटर में खाते का नाम, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। ये पूरा डेबिट का पोर्शन है, ये पूरा क्रेडिट का पोर्शन है, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से डिनोट किया। ऊपर खाते का नाम लिखना है तो सेंटर में लिख दीजिए खाते का नाम क्या है हमारा, कैश अकाउंट। फॉर्मेट बना दीजिए, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट। ये फॉर्मेट बना लीजिए, और इतना बड़ा फॉर्मेट कम से कम होना चाहिए जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 लाइनें कम से कम आप 9 लाइनें उसमें लिख सकें। कम से कम इतना बड़ा फॉर्मेट होना चाहिए, जितना मैंने बनाया है उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 9 लाइनों के हिसाब से जगह छोड़िएगा। ये फॉर्मेट बना लीजिए, अगली वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स दिखा रही हूँ। अगली वीडियो पे पहुँचने से पहले ये पॉज करके रूल्स नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगली वीडियो पे पहुँचने से पहले ये वीडियो को यहीं के यहीं पॉज करके ये चारों रूल्स नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4
और इनका डिस्कशन हम अभी अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, फिर उसके बाद में अगली वीडियो ओपन करना।